नमस्ते बच्चों, आज हम जो द्वितीय सत्र का गाला असाइनमेंट है उसमें आज हम गणित का असाइनमेंट देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 3 देखा था, आज हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे इस भाग में। तो प्रश्न नंबर 4 और पैटर्न को आगे बढ़ाओ, दो प्रश्न होते हैं जो 2 मार्क्स के, जो प्रकरण 10 में से पूछ जाएंगे। तो पैटर्न आगे बढ़ानी है, यहाँ जो पैटर्न दी गई है उसको हम गिनती से आगे बढ़ाएंगे। तो पहले खाने में 1 त्रिकोण दिया गया है, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और हमें आगे 4 त्रिकोण बनाने हैं। तो यहाँ मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ 4 त्रिकोण बनाने हैं, फिर आगे के खाने में 5। तो ऐसे हमें पैटर्न आगे बढ़ानी है। फिर दूसरा, तो दूसरा जो फ्लावर का पैटर्न है, तो फ्लावर की पैटर्न हमें आगे बढ़ानी है। तो पहले में 3 है, दूसरे में 4, इसमें 5 और आगे जो मैंने इधर बनाई है पैटर्न 6, इसमें 7। तो ऐसे हमें पैटर्न आगे बढ़ानी है। फिर तीसरे में, पहले खाने में 2, ये चित्र है, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और लास्ट के खाने में हमें 10 तलक बनाई है। फिर चौथी पैटर्न, जो पहले में 1 चित्र है, दूसरे में 3, जो 2-2 बढ़ाना है, 3, फिर 5, 7 और 9, 2-2 चित्र आगे बढ़ाने हैं हमें। फिर पांचवा, तो पहले खाने में 5 चित्र दिए गए हैं, दूसरे में 4 और तीसरे में 3, तो यहाँ हमें घटाव करने जाना है, यहाँ घटती जा रही है संख्या। तो पहले खाने में 5 है, दूसरे में 4, तीसरे में 3 और चौथे में आएंगे अब कितने तक के, 2 आएंगे, फिर 1, फिर छठा। तो यहाँ माचिस की तीलियाँ दी गई है पैटर्न में, तो यहाँ 1 है, दूसरे में 2, इधर 3 और हमें बनानी है 4 और यहाँ 5। ऐसे पैटर्न हमें आगे बढ़ानी है। तो यहाँ हमें आधी पैटर्न दी गई है, हमें पूरी पैटर्न बनानी है इसमें। तो पहले यहाँ सिर्फ वर्ग दिया है, फिर ऐसे एक बार, फिर 2, फिर 3 और 4, ऐसे आगे पैटर्न बढ़ानी है। यहाँ इसके उत्तर दिए गए हैं पैटर्नों के, देखिए। फिर प्रश्न 4 ब, पैटर्न में क्रम अनुसार क्या आएगा, तो क्रम के अनुसार क्या आएगा, कौन सी पैटर्न आएगी वो इधर बताना है, कोई एक प्रश्न। तो प्रकरण 10 में से पूछा जाएगा। तो पहला है पान का चित्र, दूसरा फूल, फिर पान, तो यहाँ कौन सी आएगी पैटर्न, फूल आएगा, पान,
फूल पान फूल ऐसी पैटर्न आएगी। दूसरी में सर्कल त्रिकोण आयत वर्तुल त्रिकोण वर्ग फिर वर्तुल फिर त्रिकोण फिर वर्ग ऐसी पैटर्न आएगी। फिर एक में एक गोला, दूसरे में दो, इसमें तीन, फिर क्या आएगा? तो यहाँ हमें बनाना है जो मैंने बनाई है पैटर्न, तो चार आएगा, फिर पाँच, और फिर यहाँ जो बनाई है मैंने वो छः। यहाँ कितनी पेंसिल है? तो एक दो, दो दो बढ़ती जाएगी इसमें, ये चार है, ये छः है, ये आठ है, और ये दो दो संख्या आगे हमें बढ़ानी है। यहाँ इनके उत्तर दिए गए हैं। अब प्रश्न नंबर चार क देखेंगे। पैटर्न में क्रम अनुसार क्या आएगा? सही उत्तर के सामने वाले में सही चिन्ह लगाओ। तो सामने के पैटर्न में सही कौन सा आएगा वो हमें लगाना है, सही का निशान। जो प्रकरण 10 में से पूछा जाएगा, तो पहला है सही पैटर्न कौन सी है, बराबर। तो ये पैटर्न कौन सी है वो हमें सही में बताना है। तो इसमें से जो पहला गोला है, फिर स्टार है, गोला स्टार ऐसा है, तो यहाँ स्टार गोला ऐसा है, और तीसरे में गोला और दो स्टार है, तो पहले वाली सही है। तो यहाँ सही का निशान करना है गोला स्टार और गोला ऐसे। फिर दूसरा दूसरी पैटर्न में जिसमें दो तरह के बोल हैं, तो पहला अलग और दो अलग, फिर एक और फिर दो ऐसा है। तो पहली पैटर्न में एक, दूसरे में अलग, फिर एक में सही ऐसा है, और दूसरी ये वाली सही है। तीसरा एक लाइन में सारे कप है, तो पहले लाइन पहले चित्र में एक साथ में कप है, दूसरे चित्र में एक छोड़ के एक कप है, और तीसरे में दो छोड़ के दो कप और उसके बाद नहीं है, तो पहला चित्र सही है, तो वो सही का निशान। फिर चौथे में दो अलग अलग है, तो कौन सी पैटर्न सही है इसमें से? तो पहले वाली पैटर्न सही है। अब प्रश्न पाँच चार ड, समझो और छूटी हुई संख्याएं लिखो। तो जो छूटी हुई संख्या है वो हमें यहाँ लिखनी है, दो प्रश्न। तो प्रकरण 10 में से जो आता है, तो पहले में हम देखेंगे यहाँ 22 दिया गया है, तो 21 हमें लिखना है, जो मैंने लिखा हुआ है 20, 19 घटती संख्या है ये, फिर 18 जो मैंने लिखा हुआ है, 17 और 16 ऐसे लाइन में। यहाँ पाँच पाँच से संख्या है, 5, 10, 15 ऐसे, तो ऐसे पैटर्न है इसमें, तो पाँच पाँच के बाद डायरेक्ट 10 है,
तो पहले में 5, फिर 10, तो 10 के बाद 5 छोड़ो तो 15, फिर 20, 25 और 30 ऐसे, फिर तीसरे में तीसरा चित्र, इसमें दो दो संख्याएं छोड़नी है, तो पहले में 2, फिर डायरेक्ट 5, 5 के बाद दो संख्या छोड़ो तो कौन सी संख्या आएगी, 5 के बाद 6, 7, 8 आएगा इधर, बराबर, तो मैंने लिखा हुआ है 8, फिर 11, 12, 13, फिर 14, फिर 17 और डायरेक्ट 20 आएगा। और चौथे चित्र में पहले चित्र में है 1, फिर 11, तो अब कौन सी संख्या आएगी, 10 10 छोड़े हुए हैं, तो 10 के बाद 1 के बाद 11, तो 11 के बाद 21, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है 21, फिर 31, 31 के बाद 41, बराबर। अब पांचवा, 0 से शुरू है, 0 से 10, 10 के बाद 10 10 किया, संख्या छोड़नी है तो 10 के बाद आएगा डायरेक्ट इधर 20, तो जो मैंने लिखा हुआ है 20, फिर 30, फिर 40, जो मैंने लिखा हुआ है ये 50, ऐसे 10 10 की संख्या में, फिर 6 2 4 6, यहाँ कौन सी संख्या आएगी, 2 छोड़ के इधर संख्या लिखनी है, 1 छोड़ के 1, तो 6 के बाद क्या आएगा, 7 और 8 लिखना है हमें, 9 10 11 के बाद 12 ऐसे हमें लिखना है, और 14 7वां, 27 28 29 30 31 31 32 33, ये लाइन में है संख्याएं। फिर 8वां, 15, ये 13, संख्या घटती जा रही है, 15 के बाद 13, जो एक एक संख्या छोड़ी हुई है पैटर्न के अनुसार, फिर 11, तो 11 से पहले एक संख्या छोड़ दो और फिर आएगी संख्या, तो वो 9 की है, फिर 7, 5, 5 से एक, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, ऐसे सही जोड़ियां मिलाओ, जो प्रकरण 12 में से आएगा। तो पहला है 50 रुपये, तो यहाँ चित्र दिया गया है, उससे हमें रुपयों के साथ जोड़ना है, तो पहला है 50 रुपये, तो यहाँ मैंने जोड़ा हुआ है 50 रुपये का नोट कौन सा है, तो ये रहा, फिर 10 रुपये का, तो 10 रुपये का सिक्का के साथ हमें जोड़ना है 500 की नोट, तो 500 की नोट कौन सी है, ये वाली, और 100 रुपया, तो 100 रुपये की नोट के साथ हमें जोड़ना है इसे। फिर इधर सिक्के दिए गए हैं, बराबर, तो ये पहले रुपये रुपये का सिक्का है, तो कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, कितने, 4, तो रुपए रुपए के 4 सिक्के कितने हुए, 4, तो 4 रुपए,
तो इधर हमें जॉइंट करना है चार रोपे के साथ, फिर कितने हैं दो रुपए का सिक्का, कितने का दो रुपए का, तो दो रुपए के सिक्के कितने हैं तीन, तो दो 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 कितने हुए छः रुपए, तो हमें छः रुपए के साथ जॉइंट करना है। फिर पाँच रुपए का सिक्का है तो पाँच रुपए के सिक्के दो हुए, तो पाँच और पाँच कितने हुए दस, तो हमें दस के साथ जॉइंट करना है। फिर दस के सिक्के कितने हैं, तो दस के सिक्के तीन हैं, कितने हैं तीन, तो तीन का सिक्का दस का सिक्का तीन यानी तीस रुपये, तो तीस के साथ हमें जॉइंट करना है ऐसे। फिर इधर नोट दी गई है, तो पहले एक एक रुपए की नोट है तो कितनी है, तो कि एक दो तीन चार पाँच, कितनी है पाँच, तो पाँच रुपए हुए। फिर दस दस की नोट है तो वो नोट कितनी है दो नोट है, तो कितने रुपए हुए दस दस यानी बीस रुपए हुए, तो बीस के साथ ऐसे जॉइंट करना है हमें। फिर पाँच रुपए की नोट है तो पाँच रुपए की तीन नोट है, तो पाँच तेरी पंद्रह, तो पंद्रह रुपए हुए। फिर दो दो रुपए की हुए तो वो छः नोट हैं, दो दो रुपए की तो छः नोट है, तो दो छः बारह, तो बारह रुपए हुए। अब आगे का बीस रुपए, तो बीस रुपए की नोट कौन सी है ये वाली। फिर एक रुपए का सिक्का कौन सा है ये वाला। फिर दो रुपए का तो के ये वाला, और दो हजार रुपए की नोट कौन सी है ये वाली। तो इस तरह हमें चूड़ियाँ बनानी है। फिर आगे तो यहाँ पाँच रुपए में क्या आएगा, तो उसके साथ हमें ये जॉइंट करना है पाँच रुपए, तो पाँच रुपए की कौन सी चीज़ है उसके साथ हमें इसे जॉइंट करना है, जोड़ी बनानी है। तो पाँच रुपए में कैंडी आएगी तो उसके साथ हमें जॉइंट करना है। फिर पचास रुपए की नोट है तो पचास रुपए का वाटर बॉटल आएगा तो उस पे हमें यह जॉइंट करना है। फिर बीस रुपए का खिलौना तो वो इसे हमें इसके साथ जॉइंट करना है। फिर दस रुपये तो दस रुपये की क्या आएगी, पेंसिल आएगी, पेन यानी, तो हमें पेन के साथ जॉइंट करना है। अब ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ कीजिए, ताकि हमारे वीडियो आगे का आपको मिलता रहे। Thank you for watching.